हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस एंड वी आर स्टडिंग अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड वी नो दैट फ्रॉम आवर नोस्ट्रिल वी टेक इन एयर. सो इन आवर एनवायरमेंट देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स सच एज स्मोक, डस्ट, pollens. It means when we inhale air or oxygen, then some unwanted particles also we take in with air. हवा के साथ हम क्या कर लेते हैं, unwanted particles को भी अपने air के साथ में inhale कर लेते हैं. और ये unwanted particles कौन से होते हैं, smoke यानी कि धुआँ, dust and pollens. Pollens means pollen grains. When we inhale, the particles get trapped in the air present in our nasal cavity. Nostrils के पीछे जो एक स्पेस होता है उसे हम बोलते हैं nasal cavity. When we inhale these particles, these unwanted particles, then these get trapped in air प्रेजेंट इन आवर नेजल कैविटी. हमारी नेजल कैविटी में कुछ हेयर होते हैं और उन हेयर में एक स्टिकी सब्सटेंस सीक्रेट होता है जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स वहाँ पे ट्रैप्ड हो जाते हैं, यानी वहीं पर इकट्ठे हो जाते हैं विद एयर, हमारे लंग्स तक नहीं पहुँच पाते. हाउएवर समटाइम्स दीज पार्टिकल्स में गेट पास्ट द हेयर इन द नेजल कैविटी. कई बार ये जो पार्टिकल्स हैं वो हमारी हेयर्स के बाद में आगे नेजल कैविटी से भी आगे चले जाते, पास हो जाते हैं. देन दे इरीटेट द लाइनिंग ऑफ कैविटी, जिससे हमारे जो कैविटी है उसकी जो लाइनिंग है, लाइनिंग मीन्स जो स्किन इसके चारों तरफ होती है उसमें क्या हो जाता है, इरीटेशन हो जाता है. किसकी वजह से, इन अनवांटेड पार्टिकल्स की वजह से. एज ए रिजल्ट क्या होता है फिर, एज ए रिजल्ट ऑफ विच वी स्नीज, और इसकी वजह से हमें स्नीज होती है, यानी हम छींकने लगते हैं. व्हेन स्नीजिंग अकर्स, जब भी स्नीजिंग होती है यानी जब हम छींकते हैं, देन वी एक्सपेल्स दीज फॉरेन पार्टिकल्स. तो हम क्या करते हैं, इन फॉरेन अनवांटेड पार्टिकल्स को तेजी से अपने सराउंडिंग में एक्सहेल करते हैं, बाहर निकाल देते हैं. जब हम छींकते हैं तो क्या होता है, हमारी नेजल कैविटी में जो एयर है या जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं जिस उसकी वजह से हमें इरिटेशन होने लगती है और उसकी वजह से हम स्नीज करते हैं, छींकते हैं, तो ये अनवांटेड पार्टिकल्स वापस से एक्सहेल हो जाते हैं अवर सराउंडिंग में, हमारे आसपास में. सो When you sneeze, you should cover your nose. जब भी आप छींकते हो या आपको छींक आती है, then you should cover your nose. तब हमें हमारी nose को cover करना चाहिए. So that the foreign particles you expel are not inhaled by other persons. जिससे जो भी foreign particles हम expel करते हैं, हम बाहर release करते हैं, those are not inhaled by the other person. वो किसी दूसरे person के जो है उसे inhale ना कर ले. So इससे क्या होता है, जितने भी infections होते हैं या जो हमें अगर जुखाम है या हमें viral है तो क्या होगा, उससे हम दूसरों को, अगर हम अपना nose cover करते हैं, mouth cover करते हैं, तो ये infection दूसरों को नहीं होता है. सो दिस इज द प्रिकॉशंस दैट वी शुड टेक. ओके, नेक्स्ट टर्न पे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.